अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। मी मिस शुमाइला अब्बासी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एनी फैक्टर डेट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मालिक्यूल कैन अफेक्ट इट एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट, एंजाइम ने शेप अगर उसकी चेंज हो जाए तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होती है। सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस आर टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, केमिकल डीनेचुरेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बट ओनली टू अ पॉइंट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक। उस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इट्स मीन एवरी एंजाइम वर्क एट इट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका यह मतलब है कि हर एंजाइम का अपना एक खास टेम्परेचर होता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लाइक आप देखें कि ह्यूमन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक। When temperature rises to certain limit, heat add in the activation energy and also provide kinetic energy for the reactions. So reactions are accelerated. As you know students, के temperature increase करने से heat add होती है। Heat के add होने से activation energy increase होती है और reaction proceed होना शुरू हो जाता है, accelerate होता है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाए तो उससे एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। दिस इज़ नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। दिस इज़ द फिगर डेट शोज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। इस फिगर में बच्चों आप देख रहे हो कि ह्यूमन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट तक वो इंक्रीज होगा। लाइक ह्यूमन का अगर 37 है तो यहाँ पर 37 तक ये इंक्रीज होता जा रहा है। एंजाइम का रिएक्शन रेट, एंजाइम की वजह से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन रेट कम होना शुरू हो जाएगा और 50 पे एंजाइम अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देगा। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ एंजाइम मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन रिएक्शन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एंजाइम के मॉलिक्यूल रिएक्शन में होंगे तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी, लेकिन अगर किसी भी सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिलता या फ्री स्पेस नहीं मिलती, जब ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड बाय एंजाइम, नो मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड एनी एक्टिव फ्री एक्टिव स्टेट, तो इस स्टेट को सैचुरेशन स्टेट कहा जाता है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस के अलोंग एंड रेट ऑफ रिएक्शन रेट वाई एक्सिस के अलोंग लिया गया है। इसमें अगर एंजाइम की एक्टिविटी स्टार्ट में तो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे कोई भी फ्री एक्टिव साइट नहीं मिली एंजाइम को, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस सेम रहा है, कांस्टेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज पीएच। ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। यानी एक्टिविटी होगी इसमें भी ऑप्टिमम पीएच होता है कि हर एंजाइम का की अपनी पीएच वैल्यू होती है। अगर पीएच वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है या वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। हर एंजाइम की स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। लाइक अगर आप पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टोमक में वर्क करता है। ये तभी वर्क करेगा जब वहाँ पर पीएच लो होगी, यानी एसिडिक मीडियम होगा। लाइक आप यहाँ पर फिगर में देखें,
के रिएक्शन रेट है और पीएच है। यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू है वो 7 है ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पर मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी होगी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लो टू हाई होना शुरू हो जाएगी, मीडियम चेंज हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे पीएच इंक्रीज हो जाएगी कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है। ओके स्टूडेंट, हेयर इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। Thank you so much. Stay safe, stay home. Goodbye.